हेलो दोस्तों, आज हम फ्रॉक टाइप सूट की कटिंग करना सीखेंगे। तो पहले हम इसमें शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर यहाँ से हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से हम आर्म होल भी 5.5 इंच पर रखेंगे और इसका एक बॉक्स तैयार कर देंगे। इस तरह से बॉक्स तैयार करने के बाद हम इसे राउंड शेप देंगे। तो ये हमने राउंड शेप दे दिया और यहाँ से हम कमर रखेंगे 5.5 इंच पर और यहाँ से हमें चेस्ट रखना भूल गए थे, अब बता रही हूँ मैं इसमें। तो यहाँ से हम 6 इंच पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। चौथाई हिस्सा लिया है हमने, अब इसको इस तरह से मिला देंगे दोनों पॉइंट को। तो ये जो जितना भी बचा हमारा ये पेपर, तो मैं इसमें मार्जिन के लिए यहाँ से रख लूँगी। अब आएंगे हम नेक पर। नेक की चौड़ाई यहाँ मैंने 3 इंच रखी है क्योंकि मैं इसे बोट नेक बना रही हूँ। और लेंथ इसकी रखी है 3.5 इंच और इसे इस तरह से मिला देंगे। जब हम इसकी कटिंग करेंगे थोड़ा सा इसे राउंड शेप देते हुए गोल कर देंगे जिससे कि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए कटने के बाद। और यहाँ से हम शोल्डर को भी 1/2 इंच इस तरह से डाउन कर देंगे जैसे हम अक्सर सूट में करते हैं। तो इस तरह से हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इस पर ही कटिंग कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हम डिजाइन दे देंगे। तो ये हमारा फ्रॉक टाइप सूट का टॉप एरिया ये कंप्लीट हो गया। अब इसके हम नीचे ग्रेप तैयार करेंगे इस तरह से। तो हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में इस तरह से पेपर लिया, इसे फोल्ड कर दिया जिससे कि हमारे इसमें 2 पीस निकल जाएंगे। तो ये सूट बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। इसको भी हम 2 पीस में तैयार कर देंगे। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हो गए तैयार। यहाँ पर हम चुन्नी डालेंगे इस तरह से। इस तरह से करते हुए पूरे में इस तरह से चुनर डालेंगे तो हमारा एक तरफ को इस तरह तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही करना है, चुनर डालना, तो हमारा फ्रॉक टाइप सूट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको मैं चुनर डाल के बता रही हूँ किस तरह से डलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मेरा फ्रॉक टाइप सूट बनकर तैयार हो गया। हमें ऐसे कपड़े में भी करना है तो हमारा ये फ्रॉक टाइप सूट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप भी हमारा अपने लेंथ के अनुसार बनाने से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, ये बहुत ही ट्रेंड में भी है सूट।